बच्चों, कैसे हो आप? आई थिंक सभी अपने घरों में रहे हैं, घर रहें, सुरक्षित रहें। देखो, कोरोना बहुत बड़ी महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ है। कोरोना ने लगभग 200 से ज़्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और इंडिया में भी बेटा आपने देखा होगा, डे बाय डे कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें। उसके साथ साथ देखो, हम भारतीयों की एक खास बात है, हमने जितनी भी लड़ाई लड़ी है इकट्ठा होकर यूनिटी के साथ लड़ी है और अब उसमें जीते हैं। इस कोरोना महामारी के साथ हमारा जो युद्ध है, ये आप घरों में बैठकर अपने देश को जितवाने का काम करेंगे। देखो, इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। यूएसए की अगर मैं बात करूं, अमेरिका की बात करता हूं, यूएसए अमेरिका, उसके साथ साथ अगर मैं इटली की बात करता हूं, दोनों ऐसी कंट्री हैं जिनका स्वास्थ्य टॉप पर रहा है। लेकिन कोरोना की वजह से अगर आपने स्टेटमेंट सुना है तो वहां के लोग लगातार मौत के घाट जा रहे हैं। हम अपने लोगों को बचाएंगे और इस महामारी को, एक अच्छे भारतीय होने के साथ साथ इस महामारी का विनाश करेंगे, इसको खत्म करेंगे। मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है, आप लगातार हॉट वाटर लीजिए, चाय पिए, कॉफी लीजिए, गर्म पानी आपके लिए इफेक्टिव है, घरों से बाहर ना निकले। उसके साथ साथ हमारी जो संस्था है वो कल तक मैंने कलेक्ट किया 560 गरीब घरों को हम राशन दे चुके हैं जो अपना राशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं पर भी दिखे कोई गरीब जिसके घर राशन नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमें भी अपने आस पास के जितने गरीब व्यक्ति हैं जिनके घर भोजन नहीं पहुंच रहा, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी आप उनको पहुंचाएं। उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं स्टडी की। आपके पेपर इफेक्ट हुए हैं, कल हमने पढ़ा कार्बन एडिक्स कंपाउंड के एलोट्रो के बारे में पढ़ा था और कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, आपने ये सब पढ़ा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कार्बन ऑफ इट्स कंपाउंड का, ठीक है बेटा। आज जो हम पढ़ेंगे कार्बन के कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पहला क्वेश्चन आपका बेटा रियलाइज होता है यहां से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या पूछेगा, डिफाइन सैचुरेटेड या डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। भाई सैचुरेटेड क्या होंगे और अनसैचुरेटेड क्या होंगे, इससे पहले आपको एक वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए। भाई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे हम पहले। पर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होंगे बेटा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो का मींस होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मींस क्या होता है, कार्बन। कार्बन आपका सिंपल है, ऐसे कंपाउंड बेटा जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो उन कंपाउंड को आप लोग बोलोगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होंगे, विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, क्या बेटा, ऐसे कंपाउंड जो क्या कंटेन करें, हाइड्रोजन और कार्बन एटम कंटेन करें, उनको आप क्या बोलोगे बेटा जी, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे बेटा जी, बोलोगे। देखो जी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। बेटा 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने आपको लिखवा दिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, भाई हाइड्रो कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से हैं और वो कितने प्रकार के हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आप किसको बोलोगे, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने बेटा, वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे, होंगे या नहीं होंगे, और ये
टाइपे हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और दूसरा कौन सा है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और सेकंड वन है बेटा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बता दोगे नहीं बताओगे बेटा? ठीक है जी, सैचुरेटेड के बारे में पढ़ना है अब हमें और किसके बारे में, अनसैचुरेटेड के बारे में। बेटा मैंने अभी तक आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने क्या बताया है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कितने टाइप का, दो टाइप का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड जो किसी मिलके बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं बेटा, आपके क्या पढ़ोगे आप? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो जी क्या होगे सैचुरेटेड, देखो ऐसे कंपाउंड, कैसे बेटा, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन एटम में, उस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बेटा देखो यहां पर सैचुरेटेड का अलग मीनिंग है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और अगर आप फिजिकल में पढ़ोगे तो फिजिकल में अलग मीनिंग आता है। फिजिकल में आप क्या बोलते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो, बोलते नहीं बोलते, सैचुरेटेड। मतलब जैसे कि बेटा अगर मैं बोलूं कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ, किसका बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ आप लोग शुगर और वाटर का, शुगर और वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ। देखो बेटा जी आप एक कप में क्या लोगे? पानी लोगे, क्या लोगे? वाटर लोगे और उसके अंदर क्या ऐड करोगे बेटा? शुगर ऐड करोगे। आपने एक चम्मच डाला, ऐड हो गई, दूसरी डाली ऐड हो गई, तीसरी डाली वो भी डिसॉल्व हो गई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा जहां पर आकर आपकी शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे? आपका कैसा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर सको, तो उस टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलते हो? सैचुरेटेड। लेकिन यहां पर अलग है बेटा, यहां पर क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होंगे? विच कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में क्या हो बेटा? सिंगल बॉन्ड हो, उनको आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड बेटा जिनके अंदर कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, उनको आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा जी इसका, एल्केन। क्या है? एल्केन। एल्केन का बेटा जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। बेटा देखो पहला एल्केन क्या होगा? CN की वैल्यू 1 रखोगे, मीथेन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। N की वैल्यू 2 रखोगे, इथेन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। N की वैल्यू 3 रखोगे बेटा, प्रोपेन बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। देखो सभी के अंदर कार्बन कार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। उस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलोगे बेटा जी। बोलोगे नहीं बोलोगे? अरे बोलोगे, बिल्कुल बोलना है आपको। अब सेकंड डेफिनेशन आती है हमारी अनसैचुरेटेड के बारे में बेटा। भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होंगे बेटा जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड को आप लोगों ने बोला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बेटा जी ऐसे कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम।
कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलोगे। बेटा ये दो टाइप का है, एक है डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड का बहुत अच्छा एग्जांपल है एल्कीन, जितनी भी आपके एल्कीन है, एल्कीन का कॉमन फार्मूला होता है CnHn बेटा, होगा नहीं होगा, अरे होगा H2n होगा बेटा, CnH2n बहुत अच्छा एग्जांपल है। Cl2 रखो, H12O4 इथीन है या नहीं है बेटा। और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, कार्बन कार्बन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसका फॉर्मूला कॉमन है CnH2n-2। C की वैल्यू बेटा, N की वैल्यू बेटा 2 रखोगे तो H की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी नहीं आएगी बेटा। बहुत अच्छे एग्जांपल है। देखो हमने अभी तक एक ही क्वेश्चन पढ़ा है भाई, क्या पढ़ा आपने, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड किनको बोलोगे और वो कितने प्रकार का है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बोलोगे। दो टाइप का है जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं बेटा, बताए नहीं बताए, बताए हैं। बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है घर जाकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है, बिल्कुल है जी। अब देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है IUPAC नेमिंग। बेटा यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। कितने नंबर का, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा। आपको या तो केमिकल फॉर्मूला दिया होगा उसका IUPAC नेम लिखना होगा, या बेटा जी आपको क्या करना है, आपको बेटा जी कोई भी फॉर्मूला दिया होगा उसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है बेटा जी, देखो मैं बताता हूं आपको छोटी सी बातें IUPAC नेमिंग के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। IUPAC बेटा क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो क्या डिसाइड करती है बेटा, जितने भी कंपाउंड नए डिस्कवर होते हैं उनके नाम रखती है, जैसे किसी का मोनू, सोनू, गीता, बबीता, जिस प्रकार आपके मम्मी पापा आपके नाम रखते हैं ऐसे ये एक फैमिली है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है बेटा, नेम रखती है। IUPAC क्या है, सभी के नेम रखती है। IUPAC नेमिंग पढ़ोगे आप बेटा, आपको उससे पहले कुछ पुनिया सर के ट्रिक है जो सिर्फ मैं ही आपको बताऊंगा, आप उनको याद रख लेना और आप इससे कोई भी IUPAC नेम आ जाए या केमिकल फॉर्मूला बनाना आ जाए आप कभी भी गलत नहीं करोगे जिंदगी में। ठीक है बेटा, देखो बेटा आपने 2-3 चीजें पढ़ी अभी तक, आपने एक पढ़ा एल्केन, पढ़ा नहीं पढ़ा, एल्केन ऐसे है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़े बेटा, एल्कीन या एल्काइन पढ़े आपने, पढ़े नहीं पढ़े बेटा, दूसरे आपने पढ़े एल्कीन, पढ़े नहीं पढ़े बेटा, एल्कीन में क्या था, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था। और तीसरा आपने पढ़ा बेटा एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन में क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था। ये था आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, ये सैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था और ये दोनों बेटा क्या थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड थे बेटा, थे यानी थे, बिल्कुल थे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं अपनी कॉपी में उतार लेना। देखो बेटा हर जगह चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा और 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से पूरी कर देना उसकी वैलेंसी या हाइड्रोजन लगाकर आप उसकी वैलेंसी क्या है बेटा पूरी कर सकते हो, करोगे नहीं करोगे बेटा, बिल्कुल करोगे। देखो बेटा जी अब याद रखना है आपको CH4 को आप मिथ बोलते हो, क्या बोलते हो, मिथ बोलते हो। CH3 CH2 को आप बेटा इथ बोलते हो, ठीक है, दो बार बोलूंगा CH3
CH2 और CH2, इसको आप तीन कार्बन को आप प्रोप बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? प्रोप बोलते हो। चार कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा? ब्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्यूट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? ब्यूट बोलते हो आप। पांच कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा? पेंट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? पेंट बोलते हो आप। और छह कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा? हेक्स बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? हेक्स बोलते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? देखो बेटा, एक बात ध्यान देने वाली बात है, एक कार्बन को मिथ, दो को इथ, तीन को प्रोप, चार कार्बनों के ऊपर ब्यूट, पांच हो पेंट, छह हो हेक्स। ये यहां तक याद रखोगे नहीं रखोगे, बस यही काम करूंगा। कहीं पर एक कार्बन दिख जाए आपको मिथ याद रखना है। एंडिंग किससे करेंगे? उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? जैसे मैं क्या लगाता हूँ? संदीप पुनिया, कोई क्या लगाता है? कमलजीत कौर, कोई क्या लगाता है? बुट्टो, अपने सरनेम होते नहीं होते बेटा, ऐसे ही इनकी एंडिंग होगी। यहाँ पर इनके भी कुछ सरनेम है, उन्हें बताऊ आपको कैसे करने हैं। एक कार्बन को मिथ, दो को इथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स। ये बात याद रखोगे नहीं रखोगे बेटा? रखोगे, बस यही याद रखनी है। अगर बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बोन हो, कार्बन कार्बन में सिंगल बोन हो, मेरे बात ध्यान से सुनना, कार्बन कार्बन में सिंगल बोन हो मतलब एल्केन, उनकी एंडिंग आपको करनी है ANE से। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ANE लगाना है। ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन लगाओगे नहीं लगाओगे बेटा? देखो सभी में कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। लिख लो यहां पर, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एंड में ANE लगाएंगे। बेटा लगाओगे नहीं लगाओगे? एक है मीथेन, दो है प्रोपेन, सॉरी इथेन, तीन है प्रोपेन, चार है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। बेटा जी, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एंड में ENE लगाएंगे। क्या लगाओगे? ENE लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड में ANE लगाते हो, डबल में क्या लगाओगे? ENE लगाओगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मैं बोलूं इसका नाम लिखो, आप आपको कुछ नहीं करना। पहले कार्बन देखो, एक दो, कितने कार्बन बेटा? दो। दो के लिए आप याद करो क्या बोला था मैंने? इथ। क्या बोला था मैंने? इथ लगाना है। क्या आया बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की एंडिंग किससे करोगे? ENE से। इथीन इसका नाम होगा। जैसे क्या होगा? इथीन। अगला देखते हैं बेटा, आप इस टाइप का कोई एग्जांपल देखते हो, इसका नाम बताओ। एक एग्जामिनर बोलेगा इसका नाम बताओ बेटा। एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या? प्रो। क्या बेटा? प्रो। और बेटा जी कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए एंडिंग किसे? इन से। प्रोपेन इसका नाम होगा। अगर बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप लोग क्या करोगे बेटा? इसका नाम बताओ। एक दो तीन चार, चार के लिए ब्यूट होता है और डबल बॉन्ड आ गया बेटा ENE होगा। होगा नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। और बेटा जी अगर पांच कार्बन हो तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे बेटा जी? पहले क्या करोगे? पेंट लगाओगे और एंडिंग किससे करोगे बेटा? ENE से करोगे। करोगे नहीं करोगे बेटा? आपको दो रूल याद रखने हैं। पहला रूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको काउंट करने हैं। एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज करोगे हमेशा जिंदगी में, दो के लिए इथ वर्ड यूज करोगे, तीन के लिए प्रोप करोगे, चार के लिए ब्यूट करोगे, पांच के लिए पेंट करोगे और छह के लिए बेटा हेक्स यूज करोगे। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके एंड में क्या लगाओगे बेटा जी? आप ANE लगाओगे। क्या लगाओगे? ANE लगाओगे। और अगर बेटा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एंडिंग किसे करोगे? ENE से करोगे। किसे करोगे बेटा? ENE से करोगे। करोगे नहीं करोगे बेटा जी? बिल्कुल करोगे। और
नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो बेटा, क्या है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल, ये है आप देखो बेटा, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए प्रो और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, प्रोपाइन इसका नाम होगा या नहीं होगा बेटा जी? अरे होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आएगा बेटा, ये है आपका कितने कार्बन बेटा, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए ये ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एंटी से वाइन से ब्यूटाइन इसका नाम होगा। अगर पांच कार्बन है बेटा जी, पांच कार्बन है तो पांच के लिए आप क्या यूज करोगे बेटा जी, पेंट यूज करोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है वाइन यूज करेंगे, पेंटाइन इसका नाम होगा या नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। देखो बेटा जी, उसके बाद कई बार आपने देखा है ये इथाइन है, इसका कॉमन नेम एसिटाइलीन होता है। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? एसिटाइलीन। जैसे बेटा आपको घरों में आपके निकनेम से बुलाते हैं, ऐसे ये इसका क्या है, निकनेम है। किसी को गीता को बहू बोल देते हैं, बोली बोल देते हैं, प्यारी बोल देते हैं, वो आपके क्या है, निकनेम है। ऐसे ही इथाइन का ये क्या है बेटा, क्या है, निकनेम है। बेटा जी आपको ये यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो आपका आधा काम खत्म होता है यूपीएससी का। क्या आप फर्क विल बी डन, अगर आपने ये चीजें सीख ली हैं तो आपका आधा काम खत्म होता है। चले आगे, अरे चले क्या, बिल्कुल चलते हैं बेटा। ये आपको आना चाहिए, घरों में याद कर लेना, आज आईयूपीएससी नेमिंग करूंगा और आपको छह नंबर का काम आज मैं पक्का करवा के जाऊंगा। जैसे जैसे मैंने बोला है मेरे साथ पढ़ते रहना, आपके 20 में से 20 नंबर केमिस्ट्री में कोई भी काम नहीं सकता, क्यों, ये मेरा प्रॉमिस है, आपसे वादा है, आप मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कुछ क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं, आपको उनकी पहचान होनी चाहिए। पांच ही फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में जो आपको याद रखने हैं। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा बेटा। पहला क्वेश्चन है एक्स, एक्स जो यूज करते हैं वो हैलोजन के लिए यूज करते हो, इसके लिए हैलोजन। हैलोजन में क्या आते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आएंगे नहीं आएंगे बेटा? पहला फंक्शनल ग्रुप आता है हैलोजन का, किसका आता है बेटा, हैलोजन का। सिंपल आपको पता है, फ्लोरीन को आप एफ से लिखते हो, क्लोरीन को आप सी एल से लिखते हो, ब्रोमीन को बी आर से और आयोडीन को आई से। बेटा ये है इनका, ठीक है। दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहोल, क्या आता है, एल्कोहोल। एल्कोहोल को आपको कैसे पता लगेगा भाई ये एल्कोहोल है, अगर आपकी कार्बन चेन के साथ कहीं पर भी OH लगा है, क्या लगा है, OH लगा है, CH3 CH2 CH2 OH, कहीं पर आपको दिख जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहोल है। और जैसे वहां पर आपने सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाया था, डबल के लिए ENE लगाया था, ट्रिपल के लिए YNE लगाया था, OH कहीं पर भी है तो इसकी एंडिंग देखो लास्ट अक्षर को काट कर, मैं बताऊंगा सर आपको, OL से करते हो, इसे OL से, इसे बेटा OL से, ठीक है। जैसे बेटा तीन कार्बन थे आपके पास, तीन के लिए आपने क्या बोला था, प्रोपेन बोला था, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोला था, प्रोपेन। प्रोपेन में ई वर्ड काट के आपको क्या लगाना है, OL लगाना है, क्या लगाना है बेटा, OL आपको लगाना, लगा दोगे नहीं लगाओगे बेटा, लास्ट का वर्ड काट कर आपको OL लगाना है, अगर OH है, ये मैं दिखाऊंगा। तीसरा आपके पास आता है बेटा एल्डिहाइड, क्या आता है बेटा, एल्डिहाइड। आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपकी कार्बन चेन के साथ कहीं पर CHO कोई ग्रुप लगा है तो आप बोलोगे जी एल्डिहाइड ग्रुप है फंक्शनल, और उसकी एंडिंग आप किससे करोगे, AL से करोगे, किससे करोगे बेटा, AL से करोगे। और चौथा बेटा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपकी कार्बन चेन के साथ कहीं पे भी COOH है तो आप क्या बोलोगे, कैसा ग्रुप है बेटा,
कैसा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसकी एंडिंग हम करेंगे ओइक एसिड से। किससे बेटा? ओइक एसिड से। और बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो आता है कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बेटा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप की एक खास बात है, इसके दोनों साइड बेटा, दोनों साइड कार्बन चेन होती है, बीच में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी। यहां भी R, R ग्रुप में रिप्रेजेंट करूंगा कार्बन को, CH3 या CH2, CH3, CH2, CH2, CH3 कुछ भी हो, इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो तो आप क्या करोगे बेटा, कौन सा ग्रुप है? कीटोन। और इसकी एंडिंग आप किसे करोगे? ओन से करोगे। किससे करोगे बेटा? ओन से करोगे। देखो कहीं पर अगर बेटा, कहीं पर भी अगर हैलोजन लगी है तो आपको नाम के आखिरी में हैलोजन का नाम नहीं लिखना, हैलोजन को हमेशा पहले लिखते हैं। कहीं पर भी हैलोजन लगी है तो आप निम्न से पहले हैलो वर्ड यूज करोगे। अगर फ्लोरीन है फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडीडो, ये वर्ड आपको यूज करने हैं। ये टेबल बेटा लर्न कर लेना, टेबल को लर्न करना है, याद कर लेना बेटा जी। अगर याद करोगे तो पूरे 6 नंबर का काम आपके सामने है। आपको कुछ नहीं याद करना, अल्कोहल का आपको याद रखना है, कहीं पर भी OH दिख जाए आपको, कहीं पर भी OH, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, एंडिंग में क्या लगाओगे? OL, एंडिंग में OL। कहीं पर CHO दिख जाए, CHO दिख जाए, एंड में क्या लगाओगे? AL, COOH दिख जाए, ओइक एसिड, सी डबल बॉन्ड दोनों साइड कार्बन, और लास्ट अक्षर का आपके ओन लगाना है। और अगर कहीं पर हैलोजन है, हैलोजन का नाम पहले लिखना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और दूसरी बात, सेकंड बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो ये इन फंक्शनल की कार्बन है, इन फंक्शनल ग्रुप के साथ भी क्या है बेटा, कार्बन, क्या ये कार्बन है या नहीं है? इन कार्बन को हमेशा नेमिंग में जब आप नेम लिखोगे तो काउंट करोगे। क्यों? एक कार्बन के लिए आप क्या बोलते थे? क्या बोलते थे जल्दी बताओ? मिथ, दो को इथ, तीन को प्रो, चार को ब्यूट, बोलते थे नहीं बोलते थे बेटा? अरे बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे, बोलते थे नहीं बोलते थे यार बताओ? बोलते। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, दोनों टाइप का मैं आज करवाऊंगा। लेक्चर बेटा थोड़ा लेट हो गया, तो दिन में मेरे को काम करने पड़ते हैं, थोड़ा कलेक्शन करता हूँ, फिर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करके आना पड़ता है, सुबह लगते हैं, शाम हो जाती है, उसके साथ साथ आप लोगों के लिए भी लेक्चर निकालने का टाइम निकालना पड़ता है। फिर जाऊँगा लेक्चर के बाद, डेली 100 से 200 घरों में खाना पहुँचाना होता है, और उसके साथ आपकी भी सेवा जरूरी है, क्यों? आप तो भविष्य हो, पढ़ेगा बाप तभी तो बढ़ेगा बाप, है ना? अगर इंडियंस पढ़ेंगे हम, इंडियंस को, अगर आप भारतीय हो आपको पूरा गर्व होना चाहिए, भाई हम इंडियंस हैं, हैं भाई, हम प्यार करते हैं अपनी कंट्री को, और इस महामारी को भगाएंगे, थप्पड़ मार के भगाना या किसी भी डस्टबिन में डाल के भगाना, भगाना है भाई सभी को, ठीक है ना? अब देखो बेटा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपने देखा भी होगा, वो ये बोलेगा राइट फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप, उनका नाम भी लिखना है आपको और उनका फॉर्मूला भी लिखना है। देखो भाई बहुत काम कवर करवाऊंगा, पहला है एल्कोहल का पहला मेंबर क्या हुआ? CH3, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्या ले आया? OH। दो कार्बन को आप इथ बोलते हो, हाइड्रोजन हटा के मैं क्या ले आया? OH। तीन को आप क्या बोलते थे बेटा? प्रोब बोलते थे, नहीं बोलते थे, उसको हटा के क्या ले आया मैं? OH। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने हर एक केस में हाइड्रोजन को रिप्लेस करकर मैं OH ले आया, लेके आया मैं, लेके आया बेटा, बिल्कुल लेके आया हूं, मैं आपके लिए लेके आया हूं, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बेटा जी देखो पहले 5 मेंबर एल्कोहल के क्या होंगे आपके पास? ये होंगे पहले 5 मेंबर, 2, 3, 4, 5 मीथेन था जी, मैंने मीथेन को, मीथेन का एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिया है? OH। OH लगते ही आपके दिमाग में आना चाहिए इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल। एक कार्बन को आप क्या बोलते थे बेटा? मीथेन बोलते थे, नहीं बोलते थे बेटा?
मीथेन बोलते थे, बोलते थे नहीं बोलते थे। मैंने क्या बोला, अगर ओ एच आ जाए तो लास्ट ई का आकर आप क्या लगाओगे, ओ एल, मीथेनॉल, इसका नाम होगा बेटा यूपीएसी। इसको आप क्या बोलते थे, अगर यहां पर एक CH3 को इथेन, लेकिन एक एच को रिप्लेस करके क्या लिया हमने, ओ एच, मतलब कैसा दूसरा ग्रुप, एल्कोहल, एल्कोहल के एंडिंग से ओ एल से। कितनी कार्बन बेटा, कितनी कार्बन भाई, दो, दो कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, इथ यूज करते हो, सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, फंक्शनल ग्रुप ओएच है, तो इसे निकालोगे इथेनॉल। तीन कार्बन के लिए प्रोपेन होना था, लेकिन बेटा क्या करता मैंने, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ओएच से, प्रोपेनॉल होगा। इसका क्या नाम होगा बेटा, ब्यूटेनॉल होगा, और इसका क्या होगा बेटा, पेंटेनॉल होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। देखो पेपर में ऐसे भी आएगा, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, कैसे बनाओगे, अगर मैं उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन को, भाई प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर में पहले आप देखना क्या है, प्रो, प्रो के लिए कितने कार्बन ड्रा करोगे बेटा, तीन कार्बन ड्रा करोगे, उसके बाद देखोगे प्रोपेनॉल है, ओल है, ओल के लिए रिमाइंड करना कैसा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्कोहल के एंडिंग किसे करते थे, ओएच से, करते नहीं करती। अब कार्बन की क्या करते बेटा, वैलेंसी पूरी कर दो, आपको कुछ करना ही नहीं, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, सभी के साथ हाइड्रोजन लगा देना बेटा, आपका काम खत्म होता है, CH3 CH2 CH2 OH, ये प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है या नहीं है बेटा, देखो सेम स्ट्रक्चर है भाई, बिल्कुल सेम है बेटा। ये कह क्या देगा पेपर में, पेपर में दो फॉर्मूले दे देगा बेटा, बोलेगा इनका नाम लिखो, एक कार्बन के लिए मीथेन था, एक हाइड्रोजन था, कि क्या है बेटा OH, क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे, नहीं लगाओगे बेटा जी, बिल्कुल लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे। अगला चले भाई, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, या आप इस फोन पर अपनी कॉल दे सकते हैं, और बेटा जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या करवा दो, आप सब्सक्राइब कर लो डेली लेक्चर। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, राइट फर्स्ट फाइव मेंबर ऑफ, किसके लिखे बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, किसके बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिख देते हैं बेटा जी। देखो एल्डिहाइड की एंडिंग आप किससे करते हो बेटा, CHO से, पहला मेंबर ही CHO होगा। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, चुनिए कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ये था नहीं था, CHO फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, वैलेंसी पूरी कर दी, अरे होगी नहीं होगी, पहला मेंबर है बेटा। दूसरा मेंबर आपके पास इथेन था बेटा जी, था नहीं था। तीसरा मेंबर कितने कार्बन होंगे बेटा, तीन कार्बन होंगी और CHO फंक्शनल ग्रुप होगा। चार में बेटा कितने कार्बन होंगी आपके पास, चार कार्बन होंगी। देखो मैंने एक बात बोली थी, इन कार्बन को भी आप इसमें काउंट करोगे, नेमिंग में काउंट करोगे, करोगे नहीं करोगे बेटा जी। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, पांच कार्बन का एक चेन होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CHO होगा। नेमिंग पर बात करते हैं बेटा, कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए आप क्या करते थे, मीथेन लिखते थे, लिखते हैं लिखते थे, लेकिन बेटा जी मैंने क्या लगाया, CHO फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शन CHO ग्रुप है तो एंडिंग किससे होगी, AL से, मिथेनॉल इसका नाम होगा। यहां पर कितनी कार्बन है बेटा जी, 1 2, दो के लिए आप क्या लिखते थे, इथेन, लेकिन ई नहीं लिखूंगा, ई को काट कर क्या लिखूंगा, AL लिखूंगा, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप क्या है, CHO है या नहीं है बेटा जी। यहां पर कितनी कार्बन बेटा, तीन कार्बन, तीन के लिए आप प्रोपेन लिखते थे, लेकिन ई नहीं लिखेंगे, कैसा फंक्शन ग्रुप है, CHO है, लास्ट में क्या लगाओगे, AL लगाओगे। यहां पर कितनी कार्बन बेटा, चार कार्बन, चार के लिए आप ब्यूटेन लिखते थे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप CHO है तो AL लगा दोगे। यहां पर कितनी बेटा, पांच, पांच के लिए पेंटेन होना था, लेकिन यहां पर क्या होगा, पेंटेनॉल होगा बेटा जी। देखो CHO आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, एंडिंग में AL लगाया सभी के इसमें, कहीं पर देख लो, एक कार्बन के लिए आप मिथ लिखते थे, दो के लिए आप इथ लिखते थे, तीन के लिए प्रो, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, वही लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, मीथेन था,
ई को काट के ए एल लगाया तो मीन्स फंक्शनल ग्रुप की एंडिंग किससे होती है, ए एल से होती है, और इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इस कार्बन को आप लोग काउंट करोगे बेटा जी, करोगे नहीं करोगे, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा। प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोप में कितने कार्बन बेटा, तीन कार्बन, एंडिंग किससे है, ए एल से, तो लास्ट फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, सी एच ओ होगा, और उसके बाद क्या कर देना बेटा जी, आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देना हाइड्रोजन लगाकर, ये स्ट्रक्चर होता है, होता नहीं होता बेटा, प्रोपेनल का ये देखो अभी बनाया था, होगा या ये बोलेगा प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, या बोलेगा मिथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, या बोलेगा पांच मेंबर लिखो एल्डिहाइड के पहले, या बोलेगा भाई ये तो तीन स्ट्रक्चर दे देगा इनके आईयूपीएसी नेम लिखो, लिख दोगे नहीं लिखोगे बेटा, अरे लिखोगे बिल्कुल लिखना है। अगला चलते हैं, अगला हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा जी, कौन सा, अरे कौन सा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कल को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको घर से कुछ क्वेश्चन दूंगा वो करने हैं, कौन सा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले पांच मेंबर लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पहले पांच मेंबर, पहला ही बेटा देखो आपके पास ये होता है, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे कार्बन के पास एक दो तीन बॉन्ड एक सी की वैलेंसी, दूसरा में क्या होगा बेटा, दो कार्बन होंगी इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा, तीन में कितने कार्बन होंगे बेटा, तीन होंगी और उनके साथ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होना नेसेसरी है, चार के पास चार कार्बन एटम होने चाहिए लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल होना चाहिए, ये बेटा आपके पास पांच मेंबर आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले मेंबर का क्या नाम है बेटा, देखो मैं कहीं पे भी बोलता हूं जो बात ध्यान से सुना करो, मैंने बोला था जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है उसकी कार्बन को आप काउंट करोगे, यहां पर कितने कार्बन बेटा, एक, कितने कार्बन, एक, एक के लिए आप मीथेन वर्ड यूज कर देते, लेकिन ई को आप कट करोगे क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपको देखा कैसा आ गया, COOH आपके दिमाग में आना चाहिए, COOH आते ही कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी एंडिंग किससे की थी आपने, ओइक एसिड, इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड, क्या नाम होगा, मिथेनोइक एसिड, यहां पर कितने कार्बन बेटा, एक और दो, दो के लिए आप इथेन लिखते थे लेकिन कैसा फंक्शनल ग्रुप आ गया, OH आ गया, COOH आ गया, तो E को काट कर क्या लिखोगे, इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है बेटा एसिटिक एसिड, कॉमन नेम भी आ जाता है कई बार, एसिटिक एसिड और मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, बेटा जी ये दोनों याद रख लेना जिंदगी भर काम आएंगे, तीन कार्बन है तीन के लिए आप क्या बोलते थे, प्रोपेन होना चाहिए लेकिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, ओ सी ओ एच, तो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, चार के लिए क्या होगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड, और पांच के लिए क्या होगा बेटा, पेंटेनोइक एसिड, आया या नहीं आया बेटा, समझ नहीं, अरे आया या नहीं आया बेटा, सभी को आया ना, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं, छह को हेक्स बोलते हैं, चार को ब्यूट बोलते हैं, COOH फंक्शनल ग्रुप का एंडिंग किससे करोगे, ओइक एसिड से करोगे, OHO है तो किससे करोगे, OL से करोगे, और CHO है तो किससे करोगे, AL से करोगे, और C डबल बॉन्ड O दोनों साइड R ग्रुप है तो किससे करोगे, ON से करोगे, किससे करोगे बेटा, ON से। अब बेटा जो मैं ये करवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं पर गलती करके आते हैं भाई, हमेशा जिंदगी में ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट टाइम आया था 2018 में और बच्चों ने गलत किया, जैसे इनका पहला नंबर किससे चला था बेटा, तीनों का मिथ से चला था, मिथेनल या मिथेनोल या मिथेनोइक एसिड, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शनल है बेटा जी, किसका, कीटोन ग्रुप के अगर पहले पांच मेंबर होंगे आपको, या तीन भी बोल सकता मर्जी है, देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप होता है, होता नहीं होता, इसके दोनों साइड आर ग्रुप होने चाहिए या दोनों साइड कार्बन होने चाहिए, तो इसका पहला मेंबर बनता है, दोनों साइड आपने CH3 लगाया, ये पहला मेंबर है इसका, और इसके पास कितने कार्बन है, एक दो तीन,
और सभी के पहले नंबर पर कितनी कार्बन थी? एक। लेकिन कीटोन में कितनी है बेटा? तीन। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, एक्सेप्शनल है बेटा, याद रख लेना, पक्का आएगा एग्जाम में। दूसरे मेंबर पर बेटा आप क्या करोगे? ये कर दोगे बेटा जी। तीसरे मेंबर पर आप क्या करोगे बेटा जी? ये कर दोगे। चौथे पे आप कार्बन बढ़ाने बेटा, आपको कुछ नहीं करना, बस कार्बन बढ़ाते रहना, आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, देखो बेटा दिखते हैं। पहले मेंबर के पास, कीटोन ग्रुप के पहले मेंबर के पास कितनी कार्बन बेटा? तीन। तीन के लिए आप क्या लिखते थे बेटा? प्रोपेन लिखते थे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड क्या है? कार्बन है, तो कैसा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और एंडिंग किससे करोगे? ओन से, प्रोपेन होगा नहीं होगा बेटा? ये क्या होगा? ब्यूटेन होगा। और ये क्या होगा बेटा? पेंटेन होगा। और ये क्या होगा बेटा? हेक्सेन होगा। होगा नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा, ये एक्सेप्शनल है बेटा, याद रख लेना। करोगे या नहीं करोगे बेटा जी? आप करोगे। अगला चलते हैं हम, अगला जो हमारा है हैलोजन रहेंगे भाई। हैलोजन के एग्जांपल करवाता हूं मैं, हैलोजन से ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। जब बोलते हैं हैलोजन पे कोई तीन मेंबर लिखो, पहले इसके साथ आप क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, या आयोडीन लगा सकते हो, या फ्लोरीन लगा सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास, ये भी हो सकता है बेटा आपके पास, और बेटा जी आपके पास है ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं करना। जब आपका ऐसा हो, कितनी कार्बन बेटा? एक कार्बन। लास्ट में क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए कैसा फंक्शनल ग्रुप है? हैलोजन। पहले किसका नाम लिखेंगे? क्लोरीन का। क्लोरीन को क्या बोलते हैं आप? क्लोरो। और CH3 क्या होगा? मीथेन। क्लोरोमीथेन इसका नाम होगा बेटा। इसमें पहले किसका नाम लिखोगे? ब्रोमीन का। ब्रोमीन के लिए आप क्या लिखोगे? पहले ब्रोमो, उसके बाद मीथेन। ये क्या लिखोगे बेटा जी? यहां पर पहले क्या लिखोगे? फ्लोरो। और कितनी कार्बन है? एक। एक के लिए मीथेन। इसका नाम देखो बेटा जी, पहले किसको लिखोगे? हैलोजन को। हैलोजन में कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को क्या लिखोगे? ब्रोमो। दो कार्बन को क्या लिखते हो आप? इथेन। ब्रोमो इथेन नाम होगा नहीं होगा बेटा? अगर ये आ जाए बेटा जी, भाई इसका नाम लिखो, इसको क्या बोलोगे आप? पहले किसको लिखोगे? ब्रोमीन को। ब्रोमीन को क्या लिखते हो? ब्रोमो। और तीन कार्बन को क्या लिखोगे? प्रोपेन। लिखोगे नहीं लिखोगे बेटा जी? बिल्कुल लिखोगे। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म है आपका बेटा। आप जितने भी IUPAC नेम है, या तो आपको फॉर्मूला दे रखा है उसका IUPAC नेम लिख लेना, या जितने भी IUPAC नेम है उनके केमिकल फॉर्मूले बना के देख लेना बेटा। कोई भी किसी में भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो। और क्या है बेटा, पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई IUPAC में से, कन्फर्म है। आज आपको यही काम है बेटा। देखो कोरोना से बचना है, मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सेफ रहे, घर रहे, सुरक्षित रहे, हमें इस लड़ाई को जीतना है। आप लोगों का सहयोग चाहिए। और अगर आपको कोई गरीब दिखता है जिनकर खाने की कमी है, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए या आप अपने लेवल पर उसको खाना प्रोवाइड करवाइए। थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम।